गाइज वेलकम बैक टू माई चैनल। और आज के वीडियो में मैं क्रिएट करने वाली हूँ ये मेकअप लुक। थोड़ा बोल्ड है, आप अपने हिसाब से कस्टमाइज कर सकते हो। बेसिकली टुडे आई एम गोइंग टू डू ब्लू हेवन वन ब्रांड। आई थिंक एक अरसा हो गया है हमने ब्लू हेवन के बारे में बात नहीं करी, और ब्लू हेवन ने बहुत सारी नई चीजें लॉन्च करी हैं। बहुत सारे न्यू लॉन्चेस हम ट्राई आउट करेंगे, जैसे कि फाउंडेशन, कंसीलर, लिक्विड आई शेडोज, एंड ये वाला मेकअप लुक हम क्रिएट करेंगे यूजिंग ऑल ब्लू हेवन प्रोडक्ट्स। कुछ भी दूसरा यूज नहीं किया मैंने, सिर्फ और सिर्फ ब्लू हेवन यूज किया है। सो अगर आप जानना चाहते हो हाउ टू गेट दिस लुक, देन प्लीज कीप ऑन वॉचिंग। बट आगे बढ़ने से पहले मेक श्योर कि आपने चैनल को सब्सक्राइब कर दिया है, बेल बटन पे हिट कर देना, जिससे कि इस तरीके के वीडियो नोटिफिकेशन आपके पास आते रहें और आप इस तरीके का वीडियो मिस ना करें। ऑल्सो फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम फॉर सम पर्सनल अपडेट्स, और कुछ ऐसी रैंडम अपडेट्स के लिए मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करना मत भूलिएगा अगर आप इंस्टाग्राम पे हो तो। माई हैंडल ऑन इंस्टाग्राम इज nidhi.167, सो गो फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम एज वेल। ऑल्सो वीडियो को देखना आखिरी तक, क्योंकि आखिरी में है एक एक्साइटिंग सा गिव अवे। सो वॉच दिस वीडियो टिल द एंड फॉर the giveaway and let's get started. Alright, so start off करेंगे सबसे पहले primer के साथ। मैं use कर रही हूँ Blue Heaven का Studio Perfection Primer, oil free and non greasy, कुछ इस तरीके का ये दिखता है। इसकी MRP तो 300 rupees है, but as you know कि अभी sale चल रही है तो आपको ये सस्ते में मिल जाएगा। ये एक silicone based primer है, तो आपकी skin को बहुत अच्छे से ये smooth out कर देगा, और अगर आपके स्किन पे टेक्सचर है तो आपकी स्किन एकदम सिल्की स्मूथ हो जाएगी। इट इज़ ए गुड प्राइमर फॉर ऑयली स्किन, क्योंकि ये ऑयल फ्री है तो आपकी स्किन को बहुत जल्दी ये ऑयली भी नहीं करेगा। तो मैंने बेसिकली अपने टी जोन पे ज़्यादा कॉन्सेंट्रेट किया है, और फिर जो भी बचा है उसको मैं बाहर की तरफ में लेके जा रही हूँ। अपनी आईलिड्स पे भी मैं इसको अच्छे से अप्लाई करूँगी, क्योंकि आप चाहोगे कि आपके आई शेडोज जो हैं वो भी अच्छे से अप्लाई हों, तो इसीलिए। और अपनी स्माइल लाइंस में, यहाँ पे जो लाइंस बन जाती है ना, फाउंडेशन क्रीज कर जाता है वो होती है स्माइल लाइंस, तो उसको भी मैं अच्छे से फिल इन करूँगी वहाँ पर भी, और जो बच्चा खुचा है वो अपनी नेक पे मैं अप्लाई कर लूँगी। आप चाहो तो ब्लू हेवन का मेकअप फिक्सर भी यूज़ कर सकते हो प्राइमर की तरह, क्योंकि वो थोड़ा सा स्टिकी होता है इनिशियली, तो फाउंडेशन उसके ऊपर भी बहुत अच्छे से अप्लाई करता है। सो अब मूव ऑन करेंगे फाउंडेशन की तरफ, और ब्लू हेवन ने एक्चुअली लॉन्च किए हैं नए फाउंडेशन। सो दीज आर देयर हाई कवरेज फाउंडेशन विद प्राइमर, तो आप प्राइमर स्किप करना चाहो तो कर सकते हो, क्योंकि इसमें प्राइमर भी है एंड SPF 50+ है, PA++ है, विच इज़ अमेजिंग। कुछ इस तरीके की पैकेजिंग में ये आता है। सो आपको यहाँ पर एक स्पंज भी मिल जाता है, फाउंडेशन पंप के साथ आता है, विच इज़ ग्रेट, एंड इट रिटेल्स फॉर 350 rupees। चार शेड्स में फिलहाल ये अवेलेबल है, एंड द बेस्ट पार्ट आई थिंक इज कि आपको 150 rupees का स्पंज यहाँ पे फ्री मिल रहा है। ये फाउंडेशन मैंने ऑलरेडी अब ट्राई कर चुकी हूँ मैं, सो आई नो हाउ द फॉर्मूला इज। अगर आप फ्लोरिना फाउंडेशन या फिर जुनगा ट्यूब वाला फाउंडेशन आता है वो सब कुछ यूज करके देख चुके हैं, देन दिस इज वेरी डिफरेंट फ्रॉम दोज। इसका फॉर्मूला बहुत ही डिफरेंट है, क्रीमी सा टेक्स्चर है, बहुत ईजिली ब्लेंड हो जाता है स्किन पे, बहुत अच्छे से अप्लाई होता है, एंड इट इज वेरी लाइट ऑन द स्किन। जो शेड मैं यूज करूंगी आज वो है 01 क्रीम बेज, कुछ इस तरीके का इसका कलर पे ऑफ है। एंड मैंने इसके पहले नेचुरल न्यूड यूज किया था अपने स्किन पे, सो वो स्लाइटली डार्क था मेरे स्किन के लिए, मतलब विजिबल इट वॉज डार्क, सो इसीलिए मैं इसका यूज करूंगी। और मैं सेम स्पंज जो इसके साथ आया था मैं उसी को यूज कर रही हूँ इसको अप्लाई करने के लिए। ओके, आई शुड नॉट हैव डन दिस, मुझे पहले अपने फिंगर्स से इसको डॉट कर लेना चाहिए था। मैं पहले हाफ फेस पे ही एप्लीकेशन करके दिखा रही हूँ, जिससे कि आप अच्छे से देख सको कि डिफरेंस क्या है दोनों साइड में। आप देख लो कितना इजिली ब्लेंड हो रहा है ये, और मैं अभी थोड़ी देर में आपको जूम करके भी दिखाऊंगी, इसका फिनिश बहुत ही अमेजिंग है। और इसकी जो स्मेल है ना, एक स्लाइट कोकोनटी फ्रेग्रेंस है इसमें, दैट इज द फिनिश विद द स्पंज। मैं एक लेयर और लगाऊंगी, क्योंकि मुझे स्पंज की जो फिनिश थी वो थोड़ी शेयर साइड पर है। सो आप देख सकते हो विजिबल डिफरेंस, एंड दिस शेड इज ए परफेक्ट मैच फॉर मी, काफी अच्छे से मैच हो रहा है मेरी स्किन टोन को, एंड कवरेज भी आपको डिसेंट मिल जाता है। इन सी माई डार्क सर्कल्स दिस साइड, बट इस साइड में डार्क सर्कल्स कुछ हद तक छुप गए हैं। कवरेज जो है इसका शेयर टू मीडियम है, दो लेयर आप अगर आप दो लेयर भी अप्लाई करते हो तो भी काफ़ी लाइट वेट है स्किन पे, ऑलमोस्ट स्किन लाइक फिनिश है, एंड आप देख सकते हो बिल्कुल भी पैची नहीं है, बहुत अच्छे से ये ब्लेंड हुआ है, एंड मेरी स्किन बहुत नेचुरल लग रही है यहाँ पर। इट्स जस्ट दैट कि उसने जो भी मेरे ब्लेमिशेस थे या पिगमेंटेशन थी या डॉट्स थे उन सबको कवर कर दिया है अच्छे से, एंड नाउ माई स्किन लुक्स वेरी इवन।
However, I feel कि ये थोड़ा सा oxidize होता है, so वो चीज़ ध्यान में रखिएगा, because you can see कि यहाँ पे थोड़ा सा orangeish लग रहा है, but coverage I am happy, blendability I am happy and the way it looks on my skin I'm super happy. Also एक और बात इस foundation की, अगर आप brush use करते हो उसको blend करने के लिए, तो आपको second layer की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, first layer में आपको अच्छा खासा coverage मिल जाएगा, but अगर आप sponge use करते हो, तो obviously sponge product absorb कर लेता है, तो आपको second layer की ज़रूरत पड़ सकती है. So Blue Heaven ने लॉन्च करे हैं अपने नए कंसीलर, सो ये 5 शेड्स में अवेलेबल है, कुछ इस तरीके की पैकेजिंग में आते हैं एंड द प्राइस पॉइंट ओ माय गॉड इज अमेजिंग. दीज रिटेल जस्ट फॉर 150 रुपीज, पैकेजिंग बहुत ही बढ़िया है. सो दिस इज हाउ द ट्यूब लुक्स लाइक इन रियलिटी. सो ये ट्यूब नहीं है एक्चुअली, जब आप इसको खोलोगे तो यहाँ पर आपको एक वॉन्ड मिलता है जिससे आप अपना कंसीलर अच्छे से अप्लाई कर सकते हो. आई लव द पैकेजिंग. कंसीलर एक्चुअली 4 शेड्स में, मैंने गलत बोल दिया था, 5 शेड्स में. सो आई एम गोइंग टू टेक शेड नंबर 02 विच इज कॉल्ड कैरमिल एंड इसको मैं कंसील करूंगी. नाउ ये कंसीलर मैंने पहले भी ट्राई किया हुआ है, सो आपको नहीं, आप नहीं चाहोगे कि आप ये कंसीलर जो है एक बार में पूरे फेस पे अप्लाई कर लो एंड देन ब्लेंड करो. सो मेक श्योर कि आप छोटे छोटे सेक्शंस में काम कर रहे हो, अदरवाइज ये बहुत जल्दी ड्राई हो जाता है एंड उसके बाद ब्लेंड करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है. सो मेक श्योर कि आप छोटे छोटे सेक्शंस में काम करो एंड द कवरेज इज डिसेंट इनफ. ऐसे बहुत हाई कवरेज नहीं है, बट एवरी डे के लिए आई वुड से इट्स अ गुड कंसीलर. ऑलराइट, सो मैंने एक और लेयर कंसीलर की अप्लाई करी है जस्ट टू सी कि ब्रश से आपको ज़्यादा अच्छा कवरेज मिलता है कि नहीं, क्योंकि आई थिंक ब्लेंडर जो है काफ़ी प्रोडक्ट अब्जॉर्ब कर रहा है एंड आई एम नॉट गेटिंग द डिजायर्ड रिजल्ट. सो येस, ये आपका ब्रश से बहुत अच्छे से ब्लेंड होगा एंड अगेन मेक श्योर कि आप सेक्शंस में काम करो. इट्स सिमिलर टू मेबलिन फिट मी कंसीलर, वो भी बहुत जल्दी सूख जाता है. सो आप चाहोगे कि आप जो है एक बार में बहुत सारा अप्लाई ना करो एंड जस्ट वर्क इट आउट इन सेक्शंस. जैसे एक आंख पे पहले कर लिया, फिर सेकेंड आई पे, या पहले अंडर आई पे अप्लाई करा, देन लिड पे करना एंड देन नेक्स्ट आई पे जाना. इसके बाद मैं अपने फेस को करूंगी पाउडर और उसके लिए मैं यूज कर रही हूँ ब्लू हेवन का मैट इफेक्ट कॉम्पैक्ट पाउडर. कुछ इस तरीके का दिखता है ये, 2 शेड्स में आता है, नेचुरल एंड यूनिवर्सल. मेरे पास जो ये शेड है दिस इज कॉल्ड यूनिवर्सल एंड मुझे पैकेजिंग ऑनेस्टली इसकी बहुत अच्छी लगी एंड द बेस्ट पार्ट इज कि इसमें सनस्क्रीन भी है, ये लॉन्ग वेयर है एंड इट्स नॉन स्टिकी. पाउडर वैसे नॉन स्टिकी होते हैं, बट या पैकेजिंग जो है इसकी कुछ राइट. सो अंदर से ही कुछ इस तरीके का दिखता है एंड गर्मियों में पाउडर सनस्क्रीन आर गुड, क्योंकि आप बार बार एनी वेज अपने फेस को पाउडर करते हो अगर आपका फेस पे ऑयल आ जाता है. सो इट्स ग्रेट फॉर दैट कि आपको सनस्क्रीन भी बार बार अप्लाई नहीं करनी पड़ रही है एंड आपका फेस भी मैट रहेगा. दीज रिटेल फॉर 150 रुपीज, बट सिंस अभी डिस्काउंट चल रहा है आप 15% ऑफ पा सकते हो उस पर. थिंक द पैन ऑल्सो, ये इसका जो पैन साइज है काफ़ी अच्छा है, काफ़ी जेनरस क्वान्टिटी भी दिख रही है आपको इसमें मिल जाता है. हाउ मच डू यू गेट इन दिस, इसमें 16 ग्राम प्रोडक्ट है एंड आई थिंक द प्रोडक्ट इज वेरी गुड. अच्छा खासा आपको कवरेज भी मिल जाएगा एज यू कैन सी, और आप इसको एवरी डे में यूज कर सकते हो, जस्ट द पाउडर ऑल ओवर योर फेस एंड सी द कवरेज इज रियली गुड. पाउडर एक्चुअली आपको दिखेगा आपके फेस पे, देख रहे हो आप, आपको फेस पे आपका पाउडर दिखेगा. इट्स नॉट लाइक कि कुछ भी नहीं है, उड़ जाएगा एंड देन इट ब्लेंड्स आउट ऑल्सो वेरी नाइसली. मेरा फुल फेस में इससे पाउडर कर लूँगी. ऑल राइट, अब हम कर लेंगे अपनी आईज पहले और उसके लिए मैं यूज़ कर रही हूँ ब्लू हेवन का ये सिग्नेचर आई शेडो, वाइब्रेंट आई शेडो पैलेट. दिस इज शेड नंबर 05, कुछ इस तरीके का ये दिखेगा. इसमें काफ़ी सारे डार्क शेड्स हैं एंड ऑनेस्टली अब मेरा मन कर रहा है कि मैं ब्लैक स्मोकी आई कर लूँ, बट ब्लू है, ब्लैक है एंड पिंक्स भी हैं एंड ये पूरा का पूरा पैलेट जो है वो मैट में है. सो अगर आप मैट कलर्स इस टाइप के देख रहे हो इट्स ग्रेट. और ये सिर्फ और सिर्फ 225 रुपीज़ का है. एक अच्छा ब्रश भी मिलता है आपको एंड क्वालिटी भी ब्रश की काफ़ी हद तक चेंज हो गई है. आप इसको लोअर लैश लाइन को स्मज आउट करने के लिए यूज़ कर सकते हो या फिर लिप्स को फिलअप करने के लिए भी यूज़ कर सकते हो. रियली लाइक दिस ब्रश, छोटू सा है बट काफ़ी यूज़र फ्रेंडली है. पहले प्लास्टिक था बट नाउ दिस इज लाइक प्रॉपर ब्रिसल्स वाला एंड क्योंकि मैं तो वैलेंटाइंस डे लुक क्रिएट कर रही हूँ सो आई एम गोइंग टू गो फॉर अ वेरी सॉफ्ट आई लुक एंड बोल्ड लिप्स करेंगे हम. सो लेट्स सी हम इससे क्या कर सकते हैं. एक्चुअली मैं सोच तो रही थी कि मैं न्यूट्रल सा लुक करूँगी, बहुत ही सॉफ्ट सा, बिकॉज इट्स वैलेंटाइंस डे, बट नाउ आई एम ड्रॉन टूवर्ड्स डूइंग समथिंग क्रेजी विद दिस. बट ठीक है, अपने आप को भावनाओं में नहीं बहाऊंगी मैं ज़्यादा एंड सबसे पहले मैं ये वाला शेड यूज़ करूँगी, ये लाइट ब्राउन सा शेड एंड इसको मैं अपने क्रीज में अप्लाई करूँगी.
दिस इज गोइंग टू बी माई ट्रांजिशन शेड. मैं एक जेनरिक कबूकी ब्रश ले रही हूँ, इसमें ये कलर को लूंगी. एंड आई काइंड ऑफ लाइक दीज आई शेडोज. थोड़े से पाउडरी होते हैं बट दे आर वेरी वेरी पिगमेंटेड एंड कलर पे ऑफ काफ़ी अच्छा होता है. सो एज यू कैन सी कलर पे ऑफ एक ही बार में कितना अच्छा आया है. एंड अगर आप बिगनर हो आप टोटली इन्वेस्ट कर सकते हो उसमें, क्योंकि इट्स नॉट सुपर एक्सपेंसिव. आपको यहाँ पे 6 आई शेडोज मिल जाते हैं. इफ यू लाइक ब्लू हेवन यू कैन गिव दिस अ ट्राई. उसके बाद मैं ले रही हूँ ब्लू हेवन का ये ग्रीन काजल, कुछ इस तरीके का दिखता है. दिस डिटेल्स फॉर 125 रुपीज. तीन शेड्स में आता है, ब्लैक, ग्रीन एंड ब्लू. आई एम गोइंग टू टेक दिस ब्लू. मैंने पहले कभी ट्राई नहीं किया ब्लू हेवन का ये काजल. इमेजिन दिस इज गोइंग टू बी अ फर्स्ट इम्प्रेशन फॉर दिस वन. ओके, और इससे मैं क्या करने वाली हूँ, आई एम जस्ट गोइंग टू ड्रॉ अ विंग और फिर हम उसको स्मच कर लेंगे. इसके बाद मैं वो आई शेडो वाला ब्रश लूंगी जो आई शेडो में आया था एंड इससे थोड़ा ऊपर की तरफ में इसको ब्लेंड आउट करेंगे हम. एक सॉफ्ट सा लुक आ जाएगा. उसके बाद मैं ये गोल्ड वाला लिक्विड आई शेडो ले रही हूँ और इसको हल्का सा अपने आईलेट पर अप्लाई करूंगी, बहुत लाइटली, जस्ट टू गेट दैट लिटिल ब्लिंग. एक बूंद मैं अप्लाई करूंगी एंड उसके बाद एक फ्लैट शेडर ब्रश की हेल्प से इसको थोड़ा सा ब्लेंड आउट कर लेंगे. द ग्रीन काजल ले रही हूं और उसको थोड़ा सा इन साइड में इंटेंसिफाई करूंगी. आईब्रोज फटाफट से मैं फिल करूंगी और उसके लिए मैं यूज कर रही हूँ ये वाला ब्राउन और ये वाला ग्रे. इन दोनों को मिक्स करके मैं अपने आईब्रोज फिलिंग कर लूंगी. उसके बाद मैं ले रही हूँ ब्लू हेवन का सिग्नेचर आईलाइनर, स्केच वाला. ये पहले 225 रुपीज़ का आता था, नाउ द प्राइस हैज़ बिन रिड्यूस्ड ड्रास्टिकली. ये सिर्फ और सिर्फ 150 का मिल जाएगा एंड आई नो बहुत सारे लोगों को ये बहुत पसंद था. हमने ग्रीन वाला ऑलरेडी किया हुआ है, नाउ एम गोइंग टू प्लेस इट वेरी फाइनली बिल्कुल लैश लाइन के नज़दीक. And I kind of like this dark greenish black color. So अगर आप closely देखोगे तो lower lash line के नज़दीक आपको proper एक black line दिखेगी and then उसके ऊपर जो है ये ombre effect आ गया with the green at the outer V. And I think I like this. तो ये है soft काजल black color में, कुछ इस तरीके का दिखता है. इसको मैं अपनी water line और अब मैं apply करूँगी और tight line भी करूँगी. और अब मैं थोड़ा सा यूज़ करूँगी ये वाला. पहले मैं एक्चुअली जाऊँगी इस वाले ब्राउन कलर में एंड उससे स्मच करूँगी एंड देन मैं ये वाला ब्लू कलर लोअर लैश लाइन पे अप्लाई करूँगी. मैं एक एंगल्ड ब्रश ले रही हूँ, उससे पहले ब्राउन कलर अप्लाई कर रही हूँ अपनी लोअर लैश लाइन पे. आई लाइक दिस काजल, बहुत डार्क ब्लैक है. स्मच प्रूफ है कि नहीं दैट वी विल हैव टू सी, अच्छे से टेस्ट आउट करना पड़ेगा. बट अगर आप एक ब्लैक काजल देख रहे हो दिस इज़ रियली गुड. स्मच करने के बाद मैं वो ब्लू वाला कलर लूंगी और उसको भी अपने लोअर लैश लाइन पे अप्लाई करूंगी थोड़ा थोड़ा करके. आई थिंक आई लुक काफ़ी अच्छा टर्न आउट हुआ है, आई काफ़ी बड़ी लग रही है. बस मस्कारा रह गया. मस्कारा के लिए मैं यूज़ कर रही हूँ ब्लू हेवन का वॉक फ्री मस्कारा, कुछ इस तरीके का ये दिखता है. कई सारे डिफरेंट कलर्स में आता है, कलर्स एज इन जो आउटर पैकेजिंग है ना उसके कलर्स डिफरेंट है, अंदर से मटेरियल आपको सेम ही मिलता है. सो दिस वन ये क्लेम करते हैं कि ये लेंथ वॉल्यूम देता है, बेस टिप को कर्ल करता है, विजिबल लिफ्ट मिलेगा, लॉन्ग वेयरिंग है एंड वाटर प्रूफ, नहीं स्मच प्रूफ है, वाटर प्रूफ भी है. सो मेरे को पैकेजिंग तो इनकी हमेशा से अच्छी लगती थी वाली. लेट्स सी बाकी सारी चीज़ें हैं कि नहीं. ओके,
Nice. I think I can see my lashes lift up. I think they have changed the formula क्योंकि पहले ऐसे नहीं होता था but अभी I can see थोड़ा सा volume, थोड़ी सी length. And काफ़ी अच्छे से coat भी कर रहा है ये मेरी lashes को. देखते हैं dry होने के बाद ये कैसा दिखेगा. So far I'm happy with this mascara. अगर ये स्मोकी लुक नहीं होता तो ये काफ़ी अच्छा दिखता. Alright, so फटाफट से मैं अपनी सेकेंड आई भी फिनिश करके आती हूँ एंड देन वील डू द रेस्ट ऑफ द फेस. मैंने ब्लू हेवन का ये ग्लिटर आई शेडो थोड़ा सा और लगा लिया अपने इनर हाफ्स में सो दैट थोड़ा सा पॉप हो जाए कलर. एंड उसके बाद मैंने थोड़ा सा जो वो ब्राउन शेड था आई शेडो का उसको भी थोड़ा सा इंटेंसिफाई कर दिया है आउट ऑफ वी में. ऑलराइट सो अब मूव ऑन करेंगे फेस की तरफ और सबसे पहले करूंगी मैं फेस को कॉन्टोर. तो मैं एक्चुअली यही दोनों शेड्स यूज करूंगी, ये वाले दोनों डार्क ब्राउन एंड लाइट ब्राउन. इनको एक कॉन्टोर ब्रश पे लूंगी, ये रियल टेक्निक्स का कॉन्टोर ब्रश है. तो पहले मैं डार्क ब्राउन को अच्छे से अपने ब्रश में कोट कर लूंगी एंड देन लाइट ब्राउन को सो दैट मेरा कस्टमाइज शेड बन जाए. उसके बाद हम अप्लाई करेंगे ब्लश और ब्लश के लिए मैं ये वाला पीची सा कलर जो है ब्लश का ये यूज़ करूंगी और उसको अपने एप्पल्स ऑफ द चीक पे अप्लाई करूंगी. ये थोड़े से पाउडरी हैं जस्ट लाइक द आई शेडोज बट पिगमेंटेशन इज गुड. ब्लू हेवन का जो डायमंड ब्लशर आता है शेड नंबर 505 इट इज़ एन अमेजिंग ब्रॉन्जर फॉर फेयर स्किन. और अगर आप थोड़ा सा डीप स्किन डीप साइड पे हो तो फिर वो आपके लिए एज अ हाईलाइटर काम करेगा. इट्स लाइक अमेजिंग. बिफोर वी मूव ऑन मैं अपनी ब्राउ बोन को हाईलाइट कर लूँगी और उसके लिए मैं कॉम्पैक्ट का यूज़ कर रही हूँ और उसी से अपनी ब्राउ बोन को थोड़ा सा हाईलाइट करूँगी जिससे थोड़ी सी लिफ्टेड अप दिखे. मेकअप को मैं सेट कर लूँगी यूजिंग ब्लू हेवन का मेकअप फिक्सर. ऑलराइट सो मूविंग ऑन टू द लिपस्टिक मैं यूज़ करूँगी मेरी फेवरेट लिपस्टिक विच इज़ 706 वेलवेट मरून ब्लू हेवन की नॉन ट्रांसफर रेंज की. ये जो शेड है ये बहुत ही अमेजिंग शेड है एंड सारे स्किन टोन्स में बहुत अच्छा लगता है. ऑल्सो अगर आप ब्लू हेवन नॉन ट्रांसफर सारे शेड के स्वॉचेस देखना चाहते हो तो मैं यहाँ पे लिंक कर दूंगी. आप डन इट ऑलरेडी. ये लिपस्टिक इस लुक के साथ थोड़ी सी वैम्पी लग रही है एंड इसीलिए मैं यूज करूंगी ब्लू हेवन की ये नॉन ट्रांसफर रेंज की एक न्यूट्रलाइजिंग लिप शेड है. इसका नाम है न्यूड लिप्स. आप ना इससे कोई भी लिपस्टिक को न्यूट्रलाइज कर सकते हो. बहुत ही बढ़िया शेड है तो इससे मैं इसको थोड़ा सा न्यूट्रलाइज करूंगी. ब्लू हेवन का कोई हाइलाइटर नहीं आता इसलिए मैंने इनर कॉर्नर्स और अपने कंप्लीट फेस पे कोई भी हाइलाइटर यूज नहीं किया है. आप चाहो तो इनका जो है लिक्विड आई शेडोज जो आते हैं एक व्हाइटिश टोन में आते हैं उसको आप इनर कॉर्नर्स में अप्लाई कर सकते हो बट आई एम गोइंग टू लीव इट जस्ट द वे इट इज. एंड बस थोड़ा सा अपनी हेयर स्टाइल्स और इयर रिंग्स ठीक करके आती हूँ मैं एंड एंड विल टॉक अबाउट द गिव अवे. सो ये है फाइनल लुक. ऑनेस्टली आई लव हाउ इट हैज टर्नड आउट टू बी स्पेशली लिपस्टिक जबकि हमने इतनी बोल्ड लिपस्टिक लगाई थी एंड ये काफी न्यूट्रलाइज लग रही है एंड इट इज गोइंग परफेक्टली विद द आई लुक. मेरे को ये ग्रीनिश ब्लैक विंग लाइनर आई लव इट. ऑब्वियसली मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि ऐसा टर्न आउट होगा. आई हैड समथिंग एल्स इन माइंड एज यू गाइज नो कि हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि एक न्यूट्रल आई लुक करेंगे बट वी एंडेड अप डूइंग अ ड्रामेटिक आई लुक एज यूजुअल. बट कोई बात नहीं. दिस इज द लुक दैट आई हैव कम अप विद एंड आई एम टोटली टोटली हैप्पी विद जैसा भी ये टर्न आउट हुआ है. ऑब्वियसली यू गाइज आर मोर टैलेंटेड और आप इसको और भी नेक्स्ट लेवल लेके जा सकते हो. जो मेरा फेवरेट प्रोडक्ट है सब कुछ में वॉज दिस ब्लू हेवन मैट इफेक्ट कॉम्पैक्ट पाउडर इन द शेड यूनिवर्सल. बहुत ही बढ़िया है, काफी अच्छा है. अगर आपकी ऑयली स्किन है यू विल लव दिस क्योंकि काफी मैटिफाइंग भी है. एंड द सेकंड थिंग वाज दिस फाउंडेशन. ये फाउंडेशन बहुत अच्छे से परफॉर्म किया. एज यू कैन सी मेरा बेस बहुत अच्छा टर्न आउट हुआ है. इट्स नॉट लाइक ऑक्सीडाइज नहीं हुआ बहुत ज्यादा एंड आई थिंक इट इज मैचिंग माई स्किन टोन प्रिटी वेल. प्रोडक्ट्स बहुत अच्छे से अप्लाई हुए हैं इसके ऊपर, चाहे ब्लश हो चाहे कॉन्टोर हो चाहे आई शेडोज हो, सब कुछ बहुत अच्छे से अप्लाई हुआ है. सो आई लव दैट फाउंडेशन. उसका फॉर्मूला बहुत 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 बढ़िया है एंड ये काजल्स दे आर अमेजिंग. सुपर क्रीमी, सुपर स्मूथ, बहुत अच्छे से ब्लेंड भी हो गए. सो अगर आप आई लुक कम्प्लीटली सिर्फ काजल से करना चाहते हो यू कैन टोटली डू दिस. काफ़ी अच्छे काजल्स हैं. द ब्लशर एंड आई शेडो पैलेट्स वो भी बहुत अच्छे हैं. आई जस्ट विश कि ब्लू हेवन जो है थोड़ा सा हाईलाइटर्स में भी न्यू लॉन्चेस करे एंड आई नो दे विल डू बिकॉज
काफ़ी सारी चीज़ें बहुत अच्छी हो गई हैं. स्केच आई लाइनर वॉज अमेजिंग, कितना स्मूथ अप्लाई हुआ था वो. आई लव द स्केच आई लाइनर एज वेल एंड इवन द वॉक फ्री मस्कारा. अगर एवरी डे के लिए मस्कारा चाहिए सस्ता सा, यू कैन गो फॉर इट, इट इज़ अमेजिंग. लैशेज आपके अच्छे से कोट हो जाती है, एक लिफ्ट मिल जाता है लैशेज को. So it is a decent mascara for the price that you are paying. So that was about the products. Now moving on to the giveaway. So giveaway mein aapko kya milega? The first thing that you are going to get in the giveaway is this high coverage foundation with this beauty blender. उसके बाद आपको मिलेगा ब्लू हेवन का मेकअप फिक्सर, ब्लू हेवन का प्राइमर विच इज ब्रांड न्यू, एंड यू विल गेट ब्लू हेवन का वॉक फ्री आई लाइन. यू विल ऑल्सो गेट एक लिक्विड लिपस्टिक और एक बुलेट लिपस्टिक. सो यू आर ऑलमोस्ट गेटिंग अ फुल फेस फ्रॉम ब्लू हेवन. अगर आप इंटरेस्टेड हो इस गिव अवे में पार्टिसिपेट करने के लिए, सो रूल्स आर वेरी वेरी सिंपल. सो गिव अवे रूल्स मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वैसे तो मेंशन कर दूंगी. सबसे पहली चीज, आपको मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है. दूसरी चीज, आपको मुझे और ब्लू हेवन को इंस्टाग्राम पर फॉलो करना है. तीसरी चीज, ये जो गिव अवे का विनर है ये मैं ऑलमोस्ट 15 डेज के बाद अनाउंस करूंगी. सो इन 15 डेज में मैं जो भी वीडियोस अपलोड करती हूँ आपको वहां पर जाके कमेंट करना है और टैग करना है #hashtag ब्लू हेवन गिव अवे बाय निधि कटियार. दैट्स अ बिग हैशटैग, बट #hashtag ब्लू हेवन गिव अवे बाय निधि कटियार आपको ये डालना है. सो दैट आई नो कि आप जो है कॉमेंट इसलिए कर रहे हो क्योंकि आप गिव अवे में पार्टिसिपेट कर रहे हो. एंड यू कैन ऑल्सो शेयर दिस वीडियो ऑन योर सोशल मीडिया वगैरह वगैरह टू विन ऑल दीज गुडीज. सो दैट इज इट अबाउट द गिव अवे रूल्स. मैं डिटेल में अगर मैंने कुछ मिस भी कर दिया होगा मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंशन कर दूंगी और पिन भी कर दूंगी कॉमेंट कि रूल्स क्या क्या है एंड प्रोडक्ट्स आप क्या क्या जीतोगे. सो या दैट वॉज ऑल अबाउट दिस वीडियो. आई होप यू गाइज एंजॉयड इट. अगर अच्छा लगा है तो मेक श्योर की वीडियो को आप लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना अगर चैनल को अगर आपने अभी तक नहीं किया है तो, एंड शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स जिससे कि आप नहीं तो कम से कम आपकी फ्रेंड ही जीत जाएगी. सो या दैट इज इट फॉर दिस वन. आई विल सी यू गाइस इन माय नेक्स्ट वीडियो. टिल देन टेक केयर, बाय.